दोस्तों आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का चौथा मुकाबला श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह मैच 3 जून को नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से होगा। इस मैच से दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने कैंपेन का आगाज करने वाली हैं। ऐसे में दोनों टीमें कोशिश करेंगी इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत करने की, इसलिए मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन एकदम सटीक रहने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले धमाकेदार मैच का बेसब्री से इंतजार है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही पिच रिपोर्ट और विनर की बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो अब तक टी20 क्रिकेट में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच 17 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 12 मैच अफ्रीकी टीम ने जीते हैं, तो वहीं 5 मैच में बाजी श्रीलंका की टीम ने मारी है। जबकि लास्ट 5 मैचों को देखें तो 5 के 5 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। और अब बात करते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इस मैदान पर पहली बार कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, ऐसे में पिच कैसी बिहेव करेगी इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल यहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच प्रैक्टिस मैच खेला गया था। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में यहां 170 के करीब रन बन सकते हैं। और अब जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो इस मैच में दिखने वाली है। सबसे पहले जानते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11। तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंगा और कुशल मेंडिस ओपनिंग करेंगे। फिर नंबर 3 पर सदीरा समर विक्रमा और नंबर 4 पर कप्तान बनंदू असरंगा उतरेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर चरित असलंका, नंबर 6 पर एंजेलो मैथ्यूज और 7वें नंबर पर दसुन सनाका दिखाई देंगे। फिर 8वें नंबर पर महेश तीक्षणा, नंबर 9 पर नुवान तोसारा, नंबर 10 पर मथीसा पतिराना और 11वें नंबर पर दलसान मधुसंका दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे। फिर 3रे नंबर पर एडन मार्करम, नंबर 4 पर एंडिज क्लासेन, नंबर 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर टिस्टन स्टप्स और 7वें नंबर पर मार्को यानसेन उतरेंगे। उसके बाद नंबर 8 पर केशव महाराज, नंबर 9 पर कगिसो रबाडा, नंबर 10 पर गेराल्ड कोटजी और 11वें नंबर पर एंडिज नोर्जे उतरेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच में। वहीं अगर बात करें इस मैच की विन प्रेडिक्शन की, दोस्तों हमारे हिसाब से साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच में जीत सकती है। वैसे आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।